क्योंकि जीवन केवल पदार्थगत नहीं है, पदार्थ और चैतन्य का मिला जुला समन्वय। इसीलिए वैज्ञानिक भी काम करते हैं और शोध करते करते उलझ जाते हैं। अब मान लो तुम कोई भोजन की चीज अपने शरीर में डाल रहे हो और तुम सारी गणित लगा लेते हो कि इसमें ये चीजें होंगी जिनका तुम उपयोग करोगे, लेकिन केवल शरीर ही उपयोग नहीं कर रहा है, उसके पीछे जो चेतना है वो उस प्रक्रिया को वाइब्रेट कर रही है, एक्टिव कर रही है, जो ये तय करेगी कि शरीर को रहना है या नहीं रहना है। कई बार सारी गणित सीधी साफ है लेकिन चेतना इनकार कर देती है कि शरीर को अब नहीं रहना है, और हमारे सारे संयम संतुलन रख रखाव के बावजूद भी शरीर गिर जाता है, क्योंकि ये चेतना तय करेगी कि शरीर का क्या उपयोग है, शरीर की क्या महत्ता है, हम नहीं कर सकते उसे। जैसे हम इस घर में रह रहे हैं और इस घर में हम कितनी उत्सवपूर्ण भावदशा से रहते हैं ये हमारा पूरा घर बताता है। ऐसे ही हम कितनी अंदर की उत्सवपूर्ण भावदशा में हमारा शरीर उसे प्रतिध्वनित करने लगता है, हमारी एक एक कोशिका में नया जीवन संचारित होने लगता है। कभी हमने वैसे देखा नहीं, शरीर भी तुमसे संवाद करता है, प्रकृति भी तुमसे संवाद करती। तुम धरती पर चलते हो क्योंकि हमें लगता है धरती उपयोग करने की चीज है, कभी हमने उस पर प्रेम से पैर रखकर नहीं देखा, धरती भी बोलती है, बात करती है, तुमसे संवाद करती है। कभी उसको प्रेम से छूकर देखो और तुम्हें वो कितनी ऊर्जा वापस लौटा देती है। संवेदनशील बनो।